श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रण्वन्नोतिभिस्सीदसादनं महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञं हवं देवी जुजुषाणा घृताची शग्मान्नो वाचमुशती शृणोतु वाग्देव्यै नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। आज हम अथर्व वेद का कांड 6 सूक्त नंबर 26 पढ़ेंगे और इसमें 3 मंत्र हैं, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। जो देख रहे हैं उनको बहुत साधुवाद। षड्विंशम सूक्तम। पहला मंत्र है ऋषि ब्रह्मा देवता पापमा छंद अनुष्टुप पाप का अभिभव अब मा पाप मंत सृज वशी सन मृडयासी नह आमा भद्रस्य लोके पाप मंदे हिय विहनतम। हे पाप मन यानी पाप के भाव मां मुझे अवसरज दूर से ही छोड़ दे। वशी सन पूर्ण रूप से वश में आया हुआ तू नह मृडयासी हमें सुखी कर। पाप के भाव को पूर्ण रूप से वशीभूत करने पर ही सुख होना संभव है। हे पाप मन पाप के भाव मां मुझे अहनुतम सरल निष्कपट रूप में भद्रस्य लोके सुख व कल्याण के लोक में आधे ही स्थापित कर। तो भावार्थ है पाप भाव को पूर्ण रूप से वश में करके निष्कपट जीवन बिताते हुए हम सुखी जीवन वाले हों। तो ये एक अच्छा मंत्र है जो कि हमें बता रहा है कि हम कैसे एक सीधा सरल सच्चा जीवन बिताएं और जो पाप निष्कपट जीवन हो, जो कपट कुटिलता से वाला ना हो, यानी जैसा मोहम्मद जो नबी था इस्लाम का उसके जैसा जीवन ना हो। दूसरा मंत्र है ऋषि ब्रह्मा देवता पापमा छंद अनुष्टु पाप के छोड़ने का दृढ़ निश्चय यो नह पापमन्न जहासी तमुत्वा जहिमो वयम पथामनु व्यावर्तने अन्यम पापमानुपद्यताम। हे पापमन यानी पाप भाव यह जो तू नह हमें न जहासी नहीं छोड़ता है तम त्वा उस तुझे वयम हम ही निश्चय से जहिमह यानी छोड़ देते हैं। पाप को छोड़ने का दृढ़ निश्चय ही सर्वोत्तम व्रत है। तो अगर आपने ये व्रत ले लिया कि हम पाप को छोड़ रहे हैं तो ये बेस्ट सारे व्रतों में सबसे बेस्ट व्रत यही है। पथामनु व्यावर्तने पथगत गतिशील इंद्रियों को अनुकूल कर्मों में लौटा लेने पर उचित कर्मों में लगाने के द्वारा इंद्रियों को निरुद्ध कर लेने पर पापमा यह पाप भाव अन्यम अनुपद्यताम इंद्रिय निरोध न करने वाले दूसरे ही किसी व्यक्ति को प्राप्त हो। तो भावार्थ है कि पाप हमें नहीं छोड़ जाएगा, इसे तो हमें ही छोड़ना पड़ेगा। यानी हम अगर पाप से कहें कि तू हमें छोड़ जा तो वो तो नहीं छोड़ेगा, हमको पाप को छोड़ना होगा। इंद्रियों को अनुकूल कार्यों में व्यापक रखना ही पाप से बचने का उपाय है। तो हम खाली दिमाग शैतान का होता है, तो अगर हम अपनी इंद्रियों को बिजी रखेंगे और उत्तम कार्यों में लगाए रखेंगे, क्रियाशील रहेंगे, तो पाप से हम बचे रहेंगे। तीसरा मंत्र है ऋषि ब्रह्मा देवता पापमा छंदानुष्टो सहस्राक्षः अमर्तय अन्यात्रस्मन्यु चतु सहस्राक्षो अमर्तयः यम द्वेषाम तमृच्छतु यमु दुष्मस्तमिज्जहि। यह सहस्राक्षः यानी सहस्रम सहस्वत निरुक्त 3.2.4 इंद्रियों पर प्रबल होने वाले, अमर्तयः यानी नष्ट न होने वाला, जिसका विनाश बड़ा कठिन है, वह पाप यानी ऐसा पाप जो बड़ी मुश्किल से खत्म हो, अस्मत् हमसे, अन्यत्र अन्य स्थान में ही, न्यूचयतु निवास वाला हो। यह पाप तो तम रिचतु उसे प्राप्त हो, यम जिससे द्वेषाम हम प्रीति नहीं करते, ओ निश्चय से यम दुष्महा जिससे हम प्रीति नहीं करते। हे पापमन तम इत उसे ही तू जही नष्ट करने वाला हो। हिंस्त्रः स्वपापेन विहिंसितः खलु साधुः समत्वेन भयाद विमुच्यते। तो भावार्थ है यह प्रबल पाप हमसे दूर ही निवास करे, जो सबका अप्रिय है वही इस पाप से नष्ट किया जाए। यानी ये पाप किसको जाके हानि पहुंचाए, जो हिंसक व्यक्ति है, बुरा व्यक्ति है। तो विशेष बात यह है, अपने से पाप को दूर करने वाला, अपने को ज्ञानाग्नि में परिपक्व करने वाला, यह भृगु अगले 3 सूक्तों का ऋषि है और यह सर्वनियंता प्रभु को यम के रूप में स्मरण करता है। वो हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही था। आप सब लोगों को एक बार फिर बहुत साधुवाद। मैं आज अपने घर पर नहीं हूँ तो मैंने ये रिकॉर्ड करा हुआ है। तो अब मैं यजुर्वेद के 2 मंत्र पढ़ूंगी। जय श्री राम।